Andhra Pradesh and Telangana governments have incurred significant debt to fund their election promises that have proven to be the huge financial burden on state resources. Do you believe that this affects developmental activities in the states? मैं मानता हूँ कि वहाँ आज ऐसी स्थिति है कि सरकार के पास उन राज्यों के लिए कोई विजन ही नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ भी तो नया बना राज्य था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सेवा करने का मौका मिला तो हमने बीजेपी छत्तीसगढ़ को हमने एक शेप दे दिया। छत्तीसगढ़ एक बड़ा वाइब्रेंट इकोनॉमी वाला सेंटर बन गया। वैसा ही नया राज्य बनने के बाद बहुत अवसर था और उनको बहुत मदद भी मिल रही थी, तो आंध्र भी उस फायदा उठा सकता था, तेलंगाना भी उठा सकता, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों एक स्थिति में या तो अंदर अंदर लड़ो या तो केंद्र से लड़ो उस परिस्थिति में आ गए। उन्होंने जो नीतियां बनाई वो एक प्रकार से तिजोरी तो खाली कर ही देती थी, लेकिन करप्शन को बल देने वाली नीतियां बनी, उसने भी सारी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। आंध्र में रेत शराब माफिया ही जैसे आंध्र चला रहे ऐसी चर्चा है, तेलंगाना में भू माफियाओं का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है उसकी चर्चा है। यानी जिनके पास गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं वो ऐसे फालतू चीजें करते रहते हैं। अगर आपको जनता के लिए काम करने का एजेंडा हो, रोड मैप हो, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पसीना आप निकाल दो तब तो आप परिणाम देते हैं। और वो कमी मैं देख रहा हूँ कि आजकल शॉर्टकट वाला जो खेल चल रहा है, और लिख करके रखो शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, ये ऐसा ही हाल है लोगों का।